इस वक्त की बड़ी खबर, एक 17 साल के लड़के की गला और दोनों हाथ कटा लाश मिला है। इस घटना के बारे में जानकर आपका दिल दहल जाएगा। यह घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के जमुनिया नदी किनारे का है। मृत्यु युवक का नाम जितेंद्र, जिसकी उम्र 17 साल थी। आप सभी को बता दें कि देवकी गांव के ही सुनील नाम के एक युवक ने जितेंद्र को बुलाकर अपने साथ ले गया था और वह उसी दिन से अपने घर से लापता हो गया था। इधर घर वाले खोजबीन कर रहे थे लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला और वही जितेंद्र के पिता व अन्य सौजन बच्चे की हत्या करके शव को दफनाने की आरोप लालू चौक बुद्धू चौक निवासी सुनील मंडल पर लगाया है और वही पुलिस प्रशासन ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घरवालों का कहना है कि जिस जगह पर बच्चे की बॉडी मिली है, हम लोग भी उसके आसपास खोजबीन की थी लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, उसके बाद ही बॉडी मिला है। और वही मृतक जितेंद्र के पिता ने बताया कि मेरे बेटे का पैसा सुनील के पास बकाया था और यह नहीं बता सकते हैं कि कितना पैसा था, लेकिन रकम ज्यादा था। किसी ने ही मेरे बेटे की हत्या की है। दरिंदों ने मेरे बेटे का गला रेत दिया और दोनों हाथ भी काट दिया, उसके बाद जमीन के अंदर दफना दिया। भगवान कभी भी ऐसे दरिंदों को माफ नहीं करेगा। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि 17 साल के मासूम बच्चे की गला और दोनों हाथ काट कर बेरहमी से हत्या कर दिया गया, फिर उसके बाद उसके लाश को दफना दिया गया। तो आप सभी का इस घटना के बारे में क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं किसी छोटी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।